ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, परंतु शहंशाह के तलवार से हम स्वयं अपना भाग्य रचेंगे। अब चाहे युद्ध में हमारी विजय हो या वीर गति को प्राप्त करें, कम से कम हमारे पति को, हमारे परिवार और प्रजा को हम पर गर्व होगा। हमारी मृत्यु पर कोई आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि सिंहनाद होगा। अंतिम बार आपसे पूछ रहे, आप में से कोई हमारा साथ देगा? हम भी आपके साथ हैं छोटी अम्मी जान। हमारे नाम का जीरा बख्तर नहीं मिला तो क्या हुआ? हम बिना जीरा बख्तर के जंग पर जाएंगे। वाकई हम इतने नासमझ कैसे हो गए? क्या हम रहीम जैसे बच्चे से भी कमजोर हैं? नहीं, हम मरेंगे तो दुश्मनों को मारकर मरेंगे। हमें तलवारबाजी नहीं आती, लेकिन तीर अंदाजी हमने जरूर सीखी। हम आपके साथ हैं जोधा बेगम। साथ देने के लिए हम आपको धन्यवाद नहीं कहेंगे रुकावे का, बल्कि आपके साहस के लिए आपको बधाई देंगे। अब जीतेंगे या मरेंगे। हम भी तुम्हारे साथ हैं जोधा बेटा। जनकाश्यानी बादशाह हुमायूं के साथ हमने बहुत खून खराबा देखा है, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके साथ हम भी आपके साथ। आज दुश्मन देखेंगे, खानदाने बाबरी की खिदमत करने वाले ख्वाजा सरा भी चूड़ियां नहीं पहनते। जोधा बेगम, हम भी आपके साथ हैं। कद छोटा है, लेकिन जहर बहुत खतरनाक बनाना जानते हैं। ऐसा जहर बनाएंगे कि दुश्मन की सांस अंदर हो और दम बाहर। हम भी आपके साथ हैं जोधा बेगम। हम भी आपके साथ हैं जोधा बेगम। हम भी आपके साथ। हम भी आपके साथ हैं जोधा। तो चलिए बता देते हैं दुश्मनों को कि जिस हरम को कमजोर समझकर उस पर कब्जा करने आए थे, आज जिंदगी हराम कर देगा। जय भवानी। नारे तकबीर। नारे तकबीर। नारे तकबीर। तुम्हारी जिंदगी के कुछ घंटे बाकी हैं जलाल, और अगर तुम चाहो तो मरने से पहले अपनों के लिए एक नेक काम करके जा सकते हो। उसके बदले मैं एक नेकी करूंगी, तुम्हें एक इज्जतदार मौत देकर। क्या लगता है आपको कि अब हमें आपसे नेकी की उम्मीद है? लेकिन फिर भी खुदा से दुआ करेंगे कि कम से कम आपको तो इस दलदल से बाहर निकाल दे। चलो एक सौदा करते हैं, तुम हमारी अम्मी जान का पता बताओ और उसके बदले में हम तुम्हारी सबसे खास बेगम को बेआबरू होने से बचा लेंगे और उन्हें देंगे एक इज्जत भरी मौत। जिन बेगमात की आप इज्जत लुटवाना चाहती हैं, वो आपके भी रिश्तेदार हैं। अब अफसोस होता है इस बात का कि आप जन्नत आशियानी मरहूम शहंशाह हुमायूं साहब की बेटी। अफसोस तो हमें है कि तुम मरहूम बादशाह और हमारे वालिद हुमायूं के बेटे हो,
अफसोस तो इस बात का है कि वो शख्स हमें रिश्ते की दुहाई दे रहा है जिसने रिश्ते में लगने वाली अम्मी हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा है। हम क्यों से आपकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? हमने आपकी अम्मी जान को कैद नहीं किया है। तुम्हारे झूठ बोलने से हकीकत नहीं छुप जाएगी। हमने देखा है उन्हें गार में कैद। अगर हमें मालूम होता कि आपकी अम्मी जान कहाँ है तो हम उन्हें कब का रिहा कर चुके होते। कहानियाँ बनाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल जाएगी जलाल, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखना तुम जो हालत तुमने हमारी अम्मी जान की है उससे भी बदतर हालत हम तुम्हारी बेगमात और हमीदा बेगम की करेंगे। तुम्हारा कत्ल हो जाने के बाद दिल्ली और आगरा तो हमारे कब्जे में हो ही जाएगा, और आज नहीं तो कल हम अपनी अम्मी जान को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि तुम अपनी जिद के कारण अपनी अम्मी जान और अपनी बेगमात को एक काला मुस्तकबिल देकर जाओगे। आपसे गलतफहमी हुई है, आपसे गलतफहमी। यहाँ तो दुश्मन सैनिकों की लाशें थी, कहाँ गई? जंगल में आग लगा दो, कुछ भी करो, लेकिन हम शहंशाह को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। सुना सबने? आगे बढ़ो, जाओ। हम तैयार हैं जोधा बेगम। सब तैयार हो जाए, आज मरेंगे या दुश्मनों को मारेंगे। इन पतीलों में तेल खोलाओ, और तेल कम पड़ जाए तो पानी खोलाओ। भट्टी में लकड़ी डालो, उसके अंगारे बनाकर दहकाओ। जैसे ही दुश्मन अपने नापाक कदम हमारे पड़ाव में रखने की कोशिश करे, उन पर ये खोलता हुआ तेल, पानी और अंगारों को बरसाना है। बावर्ची खाने में जितना भी तेज मसाला है सब इकट्ठा करो, अगर पिसा नहीं है तो जल्दी से पीसो। जब ये तेज मसाला दुश्मन की आंखों में जाएगा तब वो कुछ भी देखने समझने के लायक नहीं बचेगा। बहुत खूब आदम साहब, आपकी बहादुरी और जंग की काबिलियत बेमिसाल है। क्या फायदा है इस काबिलियत का, इस बहादुरी का? जिस आदमी को हम मारना चाहते हैं हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आदम साहब, आवाज नीची, आवाज नीची। पता नहीं कब कौन जलाल से चुगली कर दे। आदाब हुजूर, एक बुरी खबर है, शहंशाह जलाल गायब हो गए, और सुनने में यह आया है कि दुश्मनों ने उन्हें कैद कर लिया है। टोटरमल साहब और फरद खान उनकी तलाश में निकले हैं। या खुदा, हमारे शहंशाह की हिफाजत करना। आज हम बहुत खुश हैं, किस्मत हम पर मेहरबान है। यही मौके का हमें इंतजार था, अपना हक जमाने का आगरा की कंधी पर। आज आप सबकी वफादारी और बहादुरी का इम्तिहान है। मुगल सल्तनत का नमक जो आपके खून में दौड़ रहा है उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। बोलिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल सल्तनत जिंदाबाद। बाकी सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है महामंगा जी। साहिबा, ये बहुत खतरनाक जहर है, हम इसे पानी में मिलाकर दुश्मन पर फेंकेंगे, और जैसे ही ये जहर दुश्मन की चमड़ी पर पड़ेगा तो ही पल में उनकी मौत हो जाएगी। बहुत खूब, दुश्मन का मुकाबला ऐसे हथियारों से होगा जिसके बारे में उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ना जाने क्या होगा, हम औरतें हैं, सिपाही नहीं, कैसे टिक पाएंगे उनके सामने। एक स्त्री यदि अपने पर आ जाए तो मौत भी उसके सामने टिक नहीं सकती है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, मरे या मारे
इतिहास सदा हमें स्मरण रखेगा। आज तक बादशाह अपना इतिहास लिखते आए हैं, आज हम बेगमें अपना इतिहास लिखेंगी। पहली बात खंजर हाथ में पकड़ा है, मगर खुदा कसम जरा खौफ नहीं आ रहा। आज हम ये युद्ध लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे। आज तक हम स्त्री अपने सतित्व की रक्षा के लिए विष पीती आई है या जौहर करती आई, पर आज अपनी आन की रक्षा के लिए हमने शस्त्र उठाए हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। माँ दुर्गा हमारे साथ है, प्रजा का आशीर्वाद हमारे साथ है, शहंशाह के लिए हमारा प्रेम हमारे साथ है। विजय हो, फतह हो, विजय हो, फतह हो, विजय हो, फतह हो। जाओ हरम में जाकर हमारा पैगाम पहुंचाओ कि उनका खुद सुपुर्दगी कबूल करने का यह आखिरी मौका है, वरना रहम नहीं होगा। आक्रमण के लिए तैयार है। सलीमा बेगम, हम नहीं चाहते कि आप इस जंग में शामिल हो। आपका रहीम के साथ रहना बेहद जरूरी है, आप इनके साथ ही रहिए। जी मलिका यासर, आप बजा फरमाते हैं, हम रहीम को अकेला नहीं छोड़ सकते। सल्तनत की बेगम होने की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं और अपने बच्चे की अम्मजान होने की भी। माशाल्लाह, वाकई खुदा जलाल पे मेहरबान है, एक से बढ़कर एक जाबाज बेगमात मिली है उसे। हम किसी को बता नहीं सकते कि हमारी संतान भी हमारे साथ है। आदाब बेगम साहिबा, अबुल माली का सिपाही आपसे मिलना चाहता है। बेगम का इकबाल बुलंद हो, आपकी ये देरी हुजूर अबुल माली साहब को नाराज कर रही है। उन्होंने ये कहलवाया है कि ये खुद सुपुर्दगी का एक आखिरी मौका है। अब आपको समझ जाना चाहिए कि अब आप मुगल सल्तनत की बेगमात नहीं है, बल्कि एक जंगी लूट का शगल है। अपनी औकात में आइए और अबुल मलिक साहब का इस्तकबाल कीजिए। तू वो सियाम तुम्हें मार नहीं रहे, नहीं तो हमारे अस्थियों से ऐसी अशोभनीय भाषा में बात करने वाले का सर दूसरे पल धरती पर होता है। जाओ, जाकर कह दो अबुल मलिक से हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। और हाँ, यदि उसे अपने आप को मृत्यु को सौंपना है
तो वो भीतर प्रवेश करे। जाओ। तुमने ऐसा कहा? तुम अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरे पास आ गए। ना मुराद, एक औरत से डर कर भाग आया। तैयारियां करो, धर्म की औरतों को उनकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। मांगो, तुम्हारी जान बच सकती है। बाहर आओ। शहंशाह जलालुद्दीन की बेगमें गिरे हुए लोगों के सामने सिर नहीं झुकाती। देख क्या रहे हो? हमला करो। मजाक बना रखा हमारी फौज का। अरे औरतें नहीं, ये तो कातिल सिपाही हैं। तरह तरह के हथियार हैं उनके पास। कैसे हथियार हैं इनके पास? ऐसे हथियार हैं जिसे हमने ना कभी देखे हैं ना कभी सुने हैं। सबसे पहले हम तुम्हारा गुरूर तोड़ेंगे जलाल की बेगम खास। अरे कमांड तो गिर गया, अब क्या करोगी? अबू माली, तुम्हें खत्म करने के लिए तो ये तीर ही काफी है। दूर हो जाओ। अब चलाओ अपनी नजरों के तीर हमारे दिल के पार कैया बेगम।
तुमने सोच भी कैसे लिया कि रुकैया बेगम अकेली है नीच? आज तुम्हें अनुभव होगा कि हरम पर बुरी दृष्टि डालना तुम्हारी कितनी बड़ी भूल थी। किसी की संपत्ति नहीं होती अबुल माली, जो युद्ध करकर उसे जीता जा सके। यदि वो अपने आप को सौंपती है तो केवल प्रेम के कारण, और जब कोई उस पर कुदृष्टि डालता है तो वो चंडी बन जाती है। क्या कहा था तुमने? यदि हम तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देंगे तो तुम हमें प्रसन्न रखोगे। अब हमें प्रसन्नता तब मिलेगी जब हम उस जीप को काट देंगे जिसने औरतों के पास पहुंचाने की बात कही। स्त्रियां केवल प्रेम से और अपने मन से किसी को अपनाती है अबुल माली। अब देखना, तुम्हारी हरम की स्त्रियां भी यहाँ आ जाएंगी, वो भी स्वेच्छा से, क्योंकि ऐसे स्वामी को कोई भी नहीं चाहेगा अबुल माली जो स्त्रियों पर कुदृष्टि रखता हो। शहंशाह की बहन हुई हो इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते आए, पर अब तुम्हें दंड देना बहुत आवश्यक है।